अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद उरूज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन बंस। देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आइए लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कप नीम गर्म दूध लिया है। दूध का ध्यान रखिएगा कि एकदम तेज़ गर्म ना हो, वरना आपकी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। ये मैंने 2 टीस्पून के करीब ये मैंने ईस्ट लिया है। 3 टेबलस्पून ऑयल है। 2 टेबलस्पून चीनी है। 1 टेबलस्पून नमक है। इन सबको मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे किसी गर्म जगह पे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट हो गए, देखिए हमारी ईस्ट अच्छी तरह एक्टिवेट हो गई है। आपको दिख रहा होगा उसमें बबल्स आ रहे हैं। अगर आपकी ईस्ट ना एक्टिवेट हो तो फिर कुछ भी आप डो, पिज़्ज़ा की हो, बन की हो, जिस चीज़ की भी आप डो बना रहे हैं उसको नहीं बनाएं, क्योंकि फिर वो आपका स्पंज नहीं उठेगा, खमीर नहीं बनेगा। देखिए मेरे डो मेरे जो है ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 कप मैदा डाल रही हूँ। इसके अंदर हम 2 कप मैदा डालेंगे। अब दूसरा कप मैदा डाल रही हूँ। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और आटे की तरह गूंदेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम थोड़ा सा पानी नीम गर्म ही यूज़ करेंगे, ठंडा पानी से नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पे खमीर नहीं उठेगा। देखिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा 1 कप दूध के अंदर ही जो है ये पूरा गुन गया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हल्का सा नीम गर्म पानी, वार्म वाटर यूज़ कीजिएगा और गूंदिएगा। अब मैं इसको एयर टाइट जार में रख दूँगी। इस पर आप हल्का सा ऑयल डाल लें, नीचे इसको चिकना कर लें और अपना ये बैटर उठा के डाल दूँगी। थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा देंगे। आप देखें और इसको हम एयर टाइट बॉक्स में बंद करके हम किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें हमारा डो एक्टिवेट हो रहा है। हम इसके लिए इसका बैटर बना लेते हैं, जो हम फिलिंग बना रहे हैं, जो हम इसके अंदर फिल करेंगे बन में। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पैन में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर मैं शिमला मिर्च 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च जो मैंने बारीक कट कर ली है वो डाल दूँगी और 4 टेबलस्पून गाजर। उनको अच्छा हम सौते कर लेंगे। हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। इसके अंदर मैंने बॉईल की हुई चिकन 100 ग्राम लिए मैंने। इसको खाली मैंने नमक डाल के हल्का सा बॉईल किया है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इनको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको हल्का सा बस सॉस डाल के थोड़ा भून लिया। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर,
हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, टेबल स्पून बनो, उन सबको मिक्स कर लेंगे। मैं ला रही हूँ सोया सॉस वगैरह, सॉसेस ये सब आपको घर में ही कुछ मिलेंगे। इसमें धनिया भी डाल दूंगी ताकि कलरफुल सा हो जाए। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, केचप जो होता है वो डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। हमें केचप डालने के बाद कुछ ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया, क्योंकि चिकन वाली ऑलरेडी बॉइल पकी हुई थी। हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम अपने बैटर से बंस बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारी डो तैयार हो गई है, देखिए कितना अच्छा डो तैयार हुई है हमारी। और इसको निकाल लेते हैं और इस पर हल्का सड़क के हम इसको मलेंगे। इसको हमने कर दिया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और कदम मैदा लगा के। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े इसे रोटी के बनाते हैं, ऐसे हल्का सा हाथ में ऑयल लगाएंगे और पेड़े बना देंगे हम। हमने पेड़े बना लिए। अब हम ये बैटर में तैयार किया था, इसके अंदर मैं 1 कप मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी क्रश की भी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया हमारा। अब हम एक डिश लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे हल्का सा और इसको ग्रीस कर लेंगे। इसको साइड पर रख देंगे और एक पेड़ा लेंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से फैलाएंगे और इसके बीच में बैटर रखेंगे अपना और इस पेड़े को यूं करके बंद कर लेंगे। और अपने डिश में इसी तरह एक और बनाएंगे, बनाते जाएंगे और अपने डिश में रखते जाएंगे। हमने पेड़ बनाए, उनको 5 मिनट हमें रेस्ट भी दे दिया है। अब हम इस अंडे की जल्दी लिए, मैं इसके ऊपर हल्का सा लगा दूँगी स्पून की वजह से। और इसके बाद हल्की सी कलौंजी डाल दूँगी थोड़ी सी। और इसको मैं माइक्रोवेव में बेक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे बंस रेडी हो गए, कितने सॉफ्ट हैं ये, इनका कलर देखिए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से, ये देखिए कलर कितना अच्छा है। अगर आप लोग इस रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।